शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना लॉकडाउन के दौरान के बिजली बिलों को रद्द करने की मांग को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के निवास स्थान पर शुक्रवार को आंदोलन किया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में आंदोलनकारी राउत के निवास स्थान की ओर धावा बोले, लेकिन पुलिस ने बेजनबाग चौक के पहले सभी को अड़ा दिया। जब आंदोलनकारियों ने सरकार पर ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में डालना शुरू किया। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी शुरू होते ही भगदड़ की स्थिति बन गई। आंदोलनकारियों को पुलिस ने घसीट कर गाड़ी में डाला। अनेक विदर्भवादियों को गिरफ्तार कर वहां से जरीपटका पुलिस थाना ले गई, बाद में छोड़ा गया। समिति के मुख्य संयोजक राम नेवले, मुकेश मासुरकर, ज्योति खांडेकर, प्रशांत मुले सहित अनेकों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन में करीब 300 लोग शामिल हुए थे। आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति च्या वतीने संपूर्ण विदर्भ भर वीज बिल वापसी आंदोलन आहे, निवेदनाचा आंदोलन आहे, परंतु आज नागपूरला सर्वीकडे आंदोलन सुरू आहे। 11 जिल्ह्यामध्ये 120 तालुक्यामध्ये आंदोलन सुरू आहे आणि नागपूरला नितीनजी राऊत ऊर्जा मंत्री यांच्याकडे आज आम्ही जाणार होतो। आम्हाला जायचं आहे, त्यांनाही वीज बिल वापस करायचं आहे आणि वीज बिल वापस करताना त्यांना निवेदनसुद्धा द्यायचं आहे, पण पोलीस लोक या ठिकाणी दडपशाही करत आहे, आमच्या ऊर्जा मंत्र्याला भेटूसुद्धा देत नाही आहे। इथं अटकेचं सत्र सुरू झालेलं आहे आणि म्हणून मी या सरकारचा निषेध करतो। आमची मागणी आहे, कोरोना काळामध्ये जे काही विजेचं बिल आलं त्या बिलातून आम्हाला मुक्ती केली पाहिजे, मुक्त झालं पाहिजे, कारण नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि म्हणून आम्ही वीज बिल देणे लागत नाही, आम्ही ते देणार नाही, अशा प्रकारचं आंदोलन आहे। आता आंदोलनाला या ठिकाणी सुरुवात होत आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपूर।